सीबीएसई एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब आप लोग का होने वाला एडमिशन मेरिट बेस पे, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कट ऑफ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है एसआरसीसी का कट ऑफ इंक्रीज होने का। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीयू जैट के बारे में, बीबीए क्या मैथ्स कंपल्सरी है। तो आप लोगों जो भी डाउट है डीयू जैट में या फिर बीबीए के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में सारे डाउट्स अपने पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा चैनल बहुत ज्यादा करीब आ चाहे 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस, बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस या सीबीएसई का लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट सबसे पहले यही चैनल में आता है। और कोई भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों को भी पर्सनल डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, फील फ्री टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सीयूसीईटी जो आया था ना, वो कट ऑफ को डिक्रीज करने के लिए आया था, मतलब कट ऑफ कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए था। लेकिन मेरा सजेशन बहुत ही ईजी था, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सीबीएसई आईएससी और अदर स्टेट बोर्ड्स का कट ऑफ को अलग अलग कर देगा ना, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ इतना राइज होना बंद कर देगा। तो जनरली कट ऑफ जो होता है ना, वो सीबीएसई पे बेसिस पे रहता है, सीबीएसई का क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कट ऑफ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो तो पूरा बेसिस करता है आपका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से कमेटी आपको मार्क्स देगा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम पे। लेकिन मेरा माने तो अगर आप लोगों का क्लास पिछले देखा जाए तो कट ऑफ इंक्रीज होने का ज्यादा चांसेस है। एसआरसीसी का पिछले बार 2020 में कट ऑफ 99.5 था, तो इस बार शायद से 99% या फिर 99.25 ऐसा टच कर सकता है कट ऑफ। और बात करें आप लोगों की कट ऑफ कब तक आएगी, तो देखो कट ऑफ अगर 15th जुलाई को मैं मान लूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, तो आप लोगों का एक महीना तक तो शायद से ऐसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलते रहेगा। तो आप लोगों का लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर, ऐसे आप लोगों का कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ आप लोगों को देखने मिल जाएगा। जिस बोलूं इस बार की कट ऑफ स्टेबल रहने वाली है, मतलब कि ना तो कुछ ज्यादा इंक्रीज होगा ना तो कुछ ज्यादा डिक्रीज होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है इस कट ऑफ में। एसआरसीसी का कट ऑफ मेरा अप्रॉक्सीमेटली 99.25 होना चाहिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, लेटेस्ट अपडेट आता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, तो मेरे चैनल में सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।